आज हम बनाएंगे चिकन पॉप्सिकल्स। बहुत ही यमी और टेस्टी चिकन के डिश बनके तैयार होती है। बच्चों की ये बहुत ही फेवरेट डिश है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो ब्रेड के छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर में डालेंगे और उसे ग्राइंड कर लेंगे। जब ये इस तरह से पाउडर हो जाए तो उसमें चिकन ऐड कर लेंगे और ऊपर से 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ओरिगैनो डालेंगे। फिर इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमको थोड़ा दरदरा रखना है, फाइन ग्राइंड नहीं करना है। ये कीमा है, हमने ब्रेड क्रम लिया है, 2 अंडे लिए हैं और आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं जिसे मैंने पानी में पहले से भिगा दिया था। सबसे पहले हम अंडे में 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक और अंडे में मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इस तरह से हाथों से शेप देकर हम चिकन के बॉल्स को तैयार करेंगे। और फिर ऊपर से हल्का सा राउंड शेप देकर आइसक्रीम स्टिक को इंसर्ट कर देंगे। और इस तरह से बाकी के पॉप्सिकल्स को भी रेडी कर लेंगे और 10 मिनट के लिए सेट होने फ्रीज़र में रख देंगे। अब इस तरह से अंडे में डिप कर लेंगे और फिर ब्रेड क्रम में इस तरह से कोट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी स्टिक्स को भी कोटिंग कर लेंगे। ऑयल को मैंने मीडियम गरम करके रखा है, तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे हम ऐसे ही फ्राई होने देंगे ताकि चिकन अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। हम 3 से 4 मिनट ऐसे ही फ्राई होने देंगे, फिर पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट फ्राई होने देंगे और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होने लगे इसका मतलब है चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह बाकी के बचे पॉप्सिकल्स भी फ्राई कर लेंगे। आप इसे मेयोनीज के साथ, सॉस के साथ, डिप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। सो इस माह रमज़ान इफ्तार में चिकन पॉप्सिकल ज़रूर बनाएं और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।